वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं मॉर्निंग में कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे आज थर्ड डोज लगने वाला है वैक्सीन का। तो जा रही हूँ और मतलब बोल रहे थे कई, तो वैक्सीन किसी को थर्ड डोज अच्छा नहीं बैठ रहा है, किसी को रिएक्शन हो रहा है, कोई किसी को क्या, तो अभी मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे बैठेगा, बट मैं लगाने को लगवा दूँगी और देखते हैं क्या क्या रहता है। और अभी तो टाइम है, 9 बजे जाना है, अभी 8:30 हो रहा है। मैं पहले ही तैयार इसलिए हुई क्योंकि मुझे ये ड्रेस ट्राई करना था, मैं इससे पहले पहन चुकी हूँ ड्रेस, पर मुझे ब्लॉग में बताना था कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो मैंने ये मीशो से परचेज किया है और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, ये मीशो से परचेज़ किया हुआ ड्रेस है और काफ़ी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है। इसका कपड़ा जो है ना, मतलब इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और मेरा सबसे बेस्ट कि मेरी ही फिटिंग का, मतलब मेरे ही, मतलब इसमें स्टिच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ही मेरी फिटिंग की ही ड्रेस आई है और इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब एक होता है ना खुद को ड्रेस डाल के लगता है कि हाँ इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ, तो वैसा वैसा फील आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब वैसे मीशो से बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज करी है, मैं आपको कभी अलग से वो ब्लॉग बना के आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या परचेज किया और कितने में, कौन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अलग ब्लॉग में। फिलहाल मैं तैयार हूँ और जैसे आप लोगों ने मेरा लुक देख लिया तो मैं आपको बैक कैमरा करके मेरा लुक दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाउन मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना यार मीशो से परचेज़ करके देखते हैं। ये फर्स्ट है जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है, और इससे पहले जितने भी गाउन लिए हैं मैंने वो मैंने शॉप से ही लिए हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। और एक बार कोई चीज़ अच्छी आ जाए ना तो बार बार लेने का मन करता है। और इससे पहले मैंने कुर्ता वगैरह लिया था, पेंट कुर्ता, मतलब पेंट प्लाजो, तो वैसे ऐसा कुछ लिया था, मतलब मेरे को अच्छा नहीं आया, क्वालिटी में बहुत अच्छी थी, ये दिखने में काफ़ी अच्छा था फ़ोन में, बट जब मैंने लिया और देखा इतना घटिया क्वालिटी का था, बट मैंने सोचा ये भी ऐसे ही आएगा, बट नहीं, काफ़ी अच्छा और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा, पर प्राइस अभी नहीं बताऊँगी। जो मैं मीशो से क्या क्या लिया है, बहुत सारी चीज़ों का ब्लॉग बनाऊँगी ना, तो मैं आपके साथ सभी का प्राइस भी बताऊंगी और बताऊंगी भी क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। हाँ जी, हे गाइस, तो वैक्सीन लग चुका है मेरे को और हम टैक्सी में आ गए हैं घर वापस। तो अभी भी जा रही हूँ मैं अंगनवाड़ी, तो अंगनवाड़ी जा रही हूँ क्योंकि अंगनवाड़ी से मैडम का फ़ोन आया था कि अंगनवाड़ी आ जाओ 2 मिनट के लिए, कोई फ़ोटो वगैरह लेना था इनको, तो बस अंगनवाड़ी जा रहे थे। और चलिए चलते हैं फटाफट से। गुड आफ्टरनून, तो मैं घर आ गई हूँ और वैक्सीन लग गया है मुझे, बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। सुबह गए थे हम 9:30 बजे के टाइम पे गए थे, और आज बसें भी नहीं है, सरकारी बसों की रैली है और फिर सरकारी बस आई नहीं है, और प्राइवेट बस है वो भी सिर्फ एक ही गई है। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में ना इतने देर तक खड़े रहना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं अभी कपड़े चेंज करती हूँ, और हम अभी अंगनवाड़ी भी गए थे, फिर वहाँ से फिर पैदल आए, जाते वाली गाड़ी में गए और आते वाली फिर पैदल आना पड़ा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना क्या बताऊँ। और कपड़े चेंज करते हैं फिर लंच करते हैं। गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिया है और ये मेरे कान में ना फंस गया, ये पता नहीं कैसे फंस जाता, रन देती हूँ। तो मैं लंच कर रही हूँ और मैं लंच में मोमो चौबिन खाऊंगी। तो यहाँ पे बनाते हैं, जहाँ मार्केट है हमारा मेन मार्केट, तो वहाँ पे भी बनाते हैं, पर इतना खास नहीं बनाते। जहाँ मैं आज गई थी वहाँ पे बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, तो चलिए खाते हैं।
गाइस गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो गया है 6 बज गए हैं और हमारे घर आई थी मासी, और मासी आई थी, उनको गर्मी हो गई थी तो वो झाड़ने आई थी, तो मम्मी उसका मंत्र जानती है तो बस उसी का ही कुछ कर रहे थे यहाँ पे। और मॉर्निंग, तो आज है 24 अगस्त और कल वहाँ से आगे मैंने कुछ शूट किया ही नहीं क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ना ऐसी अजीब सी हो गई थी। मुझे नहीं पता वैक्सीन लगाने से हुई थी या गर्मी में चलने फिरने से हुई थी, किस वजह से हुई थी, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। सर में दर्द हो रहा था, अजीब से पेट में दर्द हो रही थी, तो ऐसा ऐसा हो गया था और मेरा ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और आज फिर मैंने सोचा क्यों ना आज जो भी अधूरा बचा हुआ है उसको मैं पूरा कर लूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल परी को तो तैयार कर चुकी हूँ। आज इसका ना मैंने हेयर स्टाइल कुछ अलग बनाया है क्योंकि थोड़ी इसके बाल लंबे हो गए ना, तो और वैसे जब लंबे बाल होते हैं ना तब बहुत मन करता है बाल बनाने का, बहुत अलग अलग स्टाइल का। तो इसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया था तो अभी ये सिर्फ रोटी खा रही है, सुखा रोटी खा रही है क्योंकि भिंडी की सब्जी के साथ और इसको फुलका अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने भिंडी की सब्जी दी पर इसने थोड़ा सा ही खाया, उसके बाद खाया ही नहीं। और आरुषि क्या करें मैं बताती हूँ। तो आरुषि यहाँ पे खाना खा रही है, आज जल्दी तो आरुषि परी की थाली से भी खा रही है और अपने कॉली से भी खा रही है। तो मैं भी चलती हूँ, टाइम हो गया इसका स्कूल का टाइम हो गया परी का, तो मैं इसको छोड़ती हूँ। और तो गाइस मैं परी को स्कूल भेजने के बाद आ गई थी पंचायत सभी महिला मंडल वालों के साथ, यहाँ पे था महिला मंडल वालों का मीटिंग, तो मीटिंग तो हो चुकी थी और बस बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज़, तो हम बारिश रुकने का वेट कर रहे थे फिर हम घर की ओर जाने वाले थे। और यहाँ पे सामने आपको पीला पीला सा हरा हरा सा ये डब्बे से दिख रहे होंगे, तो ये है डस्टबिन जो सभी महिला मंडल वालों को देने वाले थे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि 24 अगस्त का है और आज बहुत लेट हो गया, तो सॉरी उसके लिए क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, कुछ टाइम ही नहीं मिला आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का। ब्लॉग तो मैंने बना के रखा हुआ था, मतलब एडिटिंग वगैरह करके रखा हुआ था, पर पोस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं लग रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पे सभी लेडीज़ का फ़ोटो ले रहे थे ये डस्टबिन के साथ, तो कुछ नया ही रूल है सभी का। तो बाकी मिलते हैं आपके साथ घर पे। इस गुड आफ्टरनून, तो अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है और मैं मीटिंग से भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, और आते ही सबसे पहले मैं नहाई क्योंकि बारिश में पूरी भीग गई थी मैं, और फिर लंच वगैरह किया। और अभी फिलहाल तो कोई कुछ भी काम नहीं है, बस मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। और मीटिंग में बस वो थोड़ा सा कुछ स्पीच वगैरह दे रहे थे और उसके बाद उन लोगों ने महिला मंडल और जो भी भवन बने होते वहाँ के लिए डस्टबिन वगैरह दे दिया, तो बस उसी को लेने के लिए गए थे और साथ में थोड़ा सा कुछ स्पीच था महिला मंडल वालों के लिए तो बस वही था। और मैं ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करूँगी। आई होप कि अभी यहाँ तक मैंने जो जितना भी आपसे शेयर किया आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा ना तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऐसा नहीं होगा कि हर बार ही कोई बोरिंग सा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा भी आ जाता है कभी कभी, पर डेली इंटरेस्टिंग नहीं होता लाइफ में, तो इसलिए बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और मिलती हूँ अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।